नमस्कार, राजस्थान की दान न्यूज। आज आप पहुंचा है गांव बेड़ासर, और गांव बेड़ासर में जानेंगे ग्रामीणों की क्या कुछ समस्याएं और विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर उनका क्या मायने हैं और क्या कुछ गांव में विकास कार्य हुए उनके लेकर हम वार्तालाप करेंगे। क्या नाम है? तब जो आपने विधानसभा उपचुनाव हुए हैं बाद में गांव में किए कुछ विकास तो देख लिया तारू जी का वादा करिए विधायक जी बे पूरा माड गांव का वादा पूरा हो गया विकास मारने लाइट की पानी की रोड की व्यवस्था थी जमान तो के लागे थाने होई को नहीं या फिर थारे गांव में कोनी हो रही या हो रही है या के कुछ नहीं और गांव में तो हुई दिक्कत भी और गांव वाले बताशी मार गांव मत करी कोनी तो जहां बापा सेवा सदान और मुद्दो भी काफी गरमाई जरूर है सदा सरगमाई ने आ बात करा तो बीकू पर मारा तो कहना वो ये है कि भी हमारे समाज की है स्कूल चालू होनी चाहिए अस्पताल है तो बहुलाल जी नाम बनाओ तो आप जिज्ञम बनाओ और अट बनाओ तुम्हारे तो मांगा ये है कि अम्बेडकर नाम बनाओ तो जी विधायक जी थारे वोट लेना है बी टाइम थारू वादा करे बे वादा कौन सा पूरा होया कौन सा कौन होया वादा तो आए चुनाव में करे पूरा एक ही करियो कोनी अब थे किन सा होगा अब जिगो हमारे विधायक अब वो काम करे या फिर थे अब किने टिकट दिलाने सा हो क्योंकि बार तो टिकट फाइनल की कौन हुई टिकट अब बिकी की पूरी फाइनल कौन हुई अब थे के सा होगा टिकट किन मिला नहीं टिकट मिलना तो के बंटे हमारे तो काम होना चीज काम कौन कर सके थे विश्वास जता सो जिगो आदमी काम कर थाने लग गया कि जहाँ सदास में राजगण चौधरी जिगो नगर पालिका सभापति है नगर परिषद सभापति राजगण चौधरी बढ़िया लगे मैं क्यों आया भी नहीं तो अब के ठापड़े काम करें ठापड़ सी और भंवरलाल जी हुआ अनिल शर्मा हुआ तो काम तो यहाँ दूरी बनाने को क्या कारण है जनता को जहाँ विषय विधायक जी से दूरी बना रही है जनता वो क्या कारण है दुनिया तो अब गेठा मैं तो मेरी बता सकूं दूरी बना रही है जहाँ सब विधायक ने विधायक सब अलग होने जा रहे हैं राजगण चौधरी तो दूरी हुई सारे जीवन के सार हुई तो सारो कहना मतलब की काम होनी है विकास में जिकम विधायक जी खुद का बात कह मैं बहुत काम करूँ नौ महीना जी तो उपचुनाव में बात काम हुए भी तो कदी को नहीं होगा दावो कर रहे तो दिखाने तो श्री कटी धरातल पर काम करे तो दिख तू चीज है तुम्हारे तो करियो को नहीं मैं तो हमारे तो वादो एक काम रुके गया मैं गया 15-20 आदमी यार वो वादा ही करियो थारो काम चालू करा देशा काम चालू कोई हो नहीं के मांग हमारे तो बाउंड्री की स्कूल के खेल मैदान की बाउंड्री की भाव ही बनी हो अब मान लो को वोट में कोई चुनाव में टिकट मांगे बीमो से किन वोट दे सो गया भाई जी हम मेरे ओ चेहरा आवे तो मैं बिन आ मेरे वोट बिन दे सो थारो ऊपर से चेहरा दिल में चेहरा नहीं दिल में तो देखो अनिल शर्मा तो ध्यान कोनी सीधे में तो खुले मुंडे इको 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 छोटो सो कारण और बता दियो क्यों कोन दियो काम ही कोन करे ना दुनिया काम लारे बिकणो बे यहां कहेगा जी मेरा पिताजी चार चार सपोर्ट एक एक आदमी देवे बार कोन ले लेसी बे कह मारा पिताजी बहुत काम करे मैं भी 9 महीना में हिम्मत कौन दी वोट हिम्मत कौन दी जान राजस्थान की जान का बहुत बहुत धन्यवाद कि गांव में आया तो अब जिया भाई जी बताओ कि जिया उपचुनाव है ने लगभग 9 महीना हो गया 9 महीना में थारे गांव में के कुछ विकास हो के कुछ कोनी हो और अब थे किने चाहो कि इन्हें टिकट मिले ही मारो गांव को विकास हो या फिर शहर का विकास हो वो बढ़िया थे ऊपर विश्वास जताओ वो आदमी की सोची को भी टिकट मिलनी चाहिए क्योंकि टिकट की रेस में बार की फिलहाल के टाइम बहुत जना है 7-8 जना टिकट की दावेदारी करी है कांग्रेस में और कांग्रेस जिया अनिल शर्मा का खेमा धीरे 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 छंटती जा रही है बा अनिल शर्मा छंट गए और राजगण चौधरी का खेमा मार दिया भी को क्या कुछ कारण है कारण देखो क्या 9 महीना की बात कर रहे हो क्या 9 महीना विकास विकास तो 40 साल में बने हालांकि विधायक जी दावो कर रहे जीता दावो तो यही है क्या दावो कर बिना जीते को नहीं कोई कौन जीते वादा बान करना पड़ती वादो अगर एक बार कर सी वादो पर अगर वादा काम कर भी दे तो आगे भी वादा के कर बीजेपी हूँ कि नेता हो जाए बीजेपी हूँ क्या लगता है देखो ने तो मैं बीजेपी ने को कांग्रेस नहीं नहीं बा बात है सही है कांग्रेस का कौन थे बीजेपी कौन पर यहाँ अपने मन में तो होगा बीजेपी में वो आदमी आना चाहिए तो दावेदारी पक्की है बीजेपी में कांग्रेस में वो आदमी हो तो वो पक्को है दावेदारी की जहाँ मान लो बस पाऊँ थार के नाम RLP हूँ कोई आवे तो वो पक्को दावेदारी जीतने नहीं जीतने की बात कर दावेदारी इज्जत बात करा जब कभी टिकट बंद देकर जगह काम करा रहे टिकट तो आजकल पक्की है अब आप नाम ले लेंगे राजगण चौधरी की राजगण चौधरी टिकट मिलेगा नहीं किया है
टिकट तो अनिल शर्मा ने अभी की बार देगा, अगली बार अगर राजकन चौधरी अब की बार। लेकिन लेकिन थाने बाप था सर भास्कर दैनिक भास्कर सर्वे कराई हो भी कमाई ने राजकन चौधरी ने सबसे ज्यादा परसेंटेज मिलिया और दो नंबर पे देखो जिया चूरू के अंदर थाने कांग्रेस किन लागे के कांग्रेस जनता बता सके साहब में चुके जनता तो यहाँ टिकट तो हर बार जिया मंडेलियां मिलती आ रही है दिन में अब की बार कुछ गांधी को नाम आ रही है जनता बिन चुन रही है तो मेरे हिसाब यहाँ लागे को नहीं कभी नहीं। आपने सदा सर में बात करा आप आके सदा सर में जहाँ कांग्रेस दावेदारी में अब भी एक नंबर पर राजगण चौधरी जी आ रहे हैं भास्कर सर्वे में भी आ रहे हैं तो आप टिकट किन मिल रहे हैं तो मेरे हिसाब में नहीं आपको लगे कि राजगण चौधरी ने अब भी टिकट दे दी क्योंकि उपचुनाव है उपचुनाव जीते अनिल जी शर्मा तो अब की बार यहाँ लागे कि अनिल जी शर्मा टिकट मिल रहे लेकिन लगातार पतझड़ की जहाँ पे झड़िया झाड़े कांग्रेस हवेली कांग्रेस के जहाँ पा वहा झड़िया दाड़ी है मतलब राजगण चौधरी खेमा में जुड़िया दाड़ी है लोग बिको भी तो कोई जुड़ना कारण वो है कि अनिल जी ने और अनिल जी के बाप ने भी अहम बहुत ज्यादा हो वे भी यहाँ कह करता कि ऐसी ऐसी वोट तुम्हें लांग अनिल जी सर मैं अब यहाँ कह दियो कह भाई ओ हॉस्पिटल को नहीं रुके जक्का माँ को दूध पिए रोक के दिखा दे बे यहाँ कह रहे बे यहाँ कह रहे अपनी माँ को ही पिए बिल्कुल बिल्कुल पर जिया बे यहाँ कह रहे कि मैं एससी समाज रहा हूँ उनके बांगो वो भी बयान आयो तो वो बयान आयो ओ बयान आयो तो वीडियो बना के बन डालना चाहिए यानी कि भाई मैं 40 साल में वोट दे रहा भाई बुजुर्ग मारा बुजुर्ग वोट दिए बन तो बन ओ भी तो कहना चाहिए यानी कि भाई मैं थाने कौन कहो माफी मांगनी चाहिए नहीं अब थाने कह दियो कि मैं थाने कौन कहो तो लोगों ने यहाँ पता लगना चाहिए यानी कि भाई हाँ वीडियो डाल है माफी मांगी है। चलो आप दूसरा आदमी और राम पूछा कहके कुछ समस्या गांव में आप गांव बड़ा सरकार दौरे पर हां ताऊ जी राम 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 जी तो ताऊ जी के नाम थारो मांगलाल नाग ताऊ जी विधानसभा चुनाव आने लगे 2023 का हमने दो दो तीन महीना रहे अब आचार संहिता लाग जैसी चुनाव का माहौल के हिसाब गाँव में के कुछ माहौल है के कुछ विचार है तारा के इ बार ओ बार विकास होना चाहिए ओ यो को नहीं ओ सी गांव तो सगना ने फोर फोर देख लिया मांडवा इसी हालत थी शायद गांव तो मोहन तो इको इको के उम्मीदवार है उम्मीदवार कौन आवे के कोई किस ऊपर संद करे वो आगे पूरी के की को दोस्त मानोगे तारे गांव को विकास को नहीं दोस्त तो मैं किरो माना तो सगड़ा बारी बारी आ गया कणी करियो को नहीं विकास तो जिया विधायक जी है आपने अनिल जी शर्मा है विधायक जी बे यहां केवे के जिया लगातार 40 साल में जितो विकास हो भी तो कदी को नहीं होयो और रही बात उपचुनाव बाद में जितो विकास हो वो भी कदी को नहीं होयो बढ़ता है आप आपरी अनिल जी भी टिकट को दावेदार है राजगण की टिकट को दावेदार है पर दोनों ने किसे नहीं दे दिया बनाई दोनों घाटे में क्या हाँ कारण उसी क्यों अनिल जी और क्या दे दिया वोट थारे दिल की बात बताओ थे अगर दिल की बताओ थारे दिल मुकना बढ़ रहे हो तो सही है कि भाई अनिल जी ने यदि वोट दे बाल टिकट दे दी तो राजगण ग्रुप है तो नाराज है बे 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 क्या देसी बिन वोट तो राजगण दे देन बे क्या देसी वोट बावड़ा बना से माजी शान का वोट को तो एक अब भी दमांस का के जाट फैक्टर भी बड़ो सिस्टम है ने राजगण चौधरी जी भी जाट समाज हुआ है तो वो के फैक्टर को कुछ रहसी है समाज ने के माना बड़ा बड़ा जगह लीडर हो रहा जगह मुसलमान दल छोड़ दिया बस गया मेरे भाइयों का मेरे से नहीं होती तो आज मुस्लिम भाइयों की दुर्गति नहीं होते राजनीति तो थारो के विचार है थे किन देनो चाहो तो आगे कैंडिडेट देख पहले की कौन किन चाहो थे बीजेपी मुकिन चाहो कांग्रेस मुकिन चाहो नहीं तो आपका वो तो आदमी तो भैया नहीं है वो आदमी आवे तो विश्वास हो जाएगा वो विकास करवा दे सी वो कौन करावे सब आदमी कोई आए था पड़सी तो अब मैं एक लाइन कह दू एक लगे मेरी कोई जोड़ तोड़ मैं एक बात प्रजातंत्र में जनतंत्र में लेकिन तो भाई जी थे मारो तो आई है कोई भी नेता हो कोई भी हो गाँव रो विकास कराना चाहिए जहाँ गाँव री बिजली समस्या है या पानी की समस्या है सिक्कत मारे सुनो पड़ी है जगह हम गाय बैठन लाग रही है कोई भी प्रॉब्लम हो जाए हमारे रात ने दिन में तो कोई भी सब दान खोल ले रहे हो हॉस्पिटल पड़ी है इसी ना गौशाला पड़ी है इसी हॉस्पिटल कोई भी लेडीज ने कोई प्रॉब्लम हो जाए रात ने कोई उजा दिन में उजा कोई दोपहर में उजा कोई भी रोको नहीं यहीं उजाड़ पड़ी है ज्यों पड़ी है नेता तो वोट ले थे अब है
संविधान नहीं है कि नेता जग दिन कोई चुनाव है जग दिन तो फटकार गाड़ियां ले ले रहा लाइन लगा दिए। पर आज हमारे कुवेट अड्डा में कोई भी हॉस्पिटल है कोई भी प्रॉब्लम कोई बात को दे विधायक जी ने कुछ संज्ञान में दे रहे हो कौन दे रहे हो बे के होता विधायक जी जग दिन नहीं आवे वोट ले उन्होंने जग दिन संविधान में जग दिन नहीं आवे विधायक जी और अल आठ दिन मानो बे जिया विधायक जी अभी तो जिया उपचुनाव हुए ना अपने नौ महीना आठ महीना हुआ है तो बे दोहरा चालू कर भी रखे आप आपके स्तर पर जावे भी आवे भी है करे भी है पर यहाँ जरूरी थोड़ी ना हर गांव आवे हर गांव में बे दोहरा हो जावे पर अब चुनाव आसी है टिकट बैंक फाइनल हो जैसी तो बे आई सी इसी के बाद नहीं आसी पर मारा जगह कोई वादा कर रहे जगह कोई पूरा ही करने बार सामने आ तो ते पांचों एक बार जाकर बड़े संज्ञान में लो बांके के मारे इसी समय कौन खोले विधायक जी हुए कोई मार्शा मां की कौन खोले अब तो आवे इतना माने यहां आ जोर जोर लम्मा अब थे कि इनसे हो गए इन फलाना आदमी टिकट मिलनी चाहिए टिकट तो यहां कोई सभी कोई आदमी सभी सभी आदमी उसी थे कि इन सपोर्ट करो कांग्रेस होता है बीजेपी होता नहीं यहाँ बता दो कांग्रेस मुँह आदमी भारी रहे बीजेपी मुँह आदमी भारी रहे आरएलपी मुँह आदमी भारी रहे आदमी बहुत यहाँ जनता रो है संविधान है जनता कर सी जगह चुन सी पर मैं तो आई कह रहा जगह नेता आज थे फिर रहा उदन इतना दिन में कट गई रहा तो जी अनिल जी टिकट मिल जाए कांग्रेस तो अनिल जी भारी रहे रोजी ना सापा मार मार के हो गया पते तो राजगण जी टिकट मिल जाए नहीं राजगण जी मिल जाओ राजगण जी मैं देखे को नहीं और भी देखा नहीं सर राजगण जी को सरदार शर्मा विकास बढ़िया बता रहे कुल मिलाकर राजगण जी बढ़िया विकास कर रहे हैं तो गांव गांव आ रखा है हमारे कच्चा बस स्टैंड बहुत बढ़िया करा दियो और करा दियो राजगण तो रियासी तो हमारे विकास हो नहीं राजकरण जी आशी बेबियान वर्तमान में नगर परिषद का सभापति नहीं सभापति जी है मेहमान है एकदम संबोधन कर रहे हैं सारा कुछ मार स्वागत कर अपने कोई भी मान तो यही कह रहे हैं कि ओ ये ओ थारगा में आज यहाँ करा दिया आज यहाँ लाइट यहाँ करा दिया मारे तो हर एक चीज की समझ है तो जहाँ कांग्रेस है अपने सदास और कांग्रेस में लगातार वह झड़ रही है पतझड़ की जिया लगातार टूट रही है बीको के कारण भाषण सुन रहा कोई नहीं थे अबे बापा सेवा सदन रहा और रहा लेन देन रहा भाषण कौन सुन रहा है मारा आज गांव में पिता भी बच्चा है और है लेन देन पढ़े है सारा कुछ करियो है भी स्कूल में सारा कुछ है और भी नहीं आज फेंकने को हॉस्पिटल बनवा कड़े को मेडिकल बनवा कड़े को थानो बनवा भी जिज्ञा रो स्थान हो जो कोई रखो थे दूसरों क्यों रखो तो हॉस्पिटल तो बनावा नहीं आपने तो जिया हॉस्पिटल तो बेबट कह के जिया सरकारी जमीन अलॉट होई है सरकार ने अभी जिया एससी एसटी समाज और कौन मिला है हर एक जगह मिल सके सरकारी मिल सके अनिल जी है और या राजकरण जी आजकल तो जिया बे अगर बापा से सदन चालू करा दो तो थारू के रुक रहे बाद मार तो रुक तो बढ़िया ही रहे मार समाज रहा पच पच भले हॉस्पिटल बना दो हां पच बनाओ चाहिए आप अपनी जगह देख आरजेटी दे दियो प्रस्ताव दे दियो पर मारी जिज्ञा है मारा जो बच्चा है और पढ़िया है लेन देन करी है जकी पर अब भाई तो स्कूल भी पर वो हॉस्पिटल खोल रहे हैं तो कोई दूसरी जिज्ञा कौन खोल सके बिल्कुल कैसे है तारी बात विकास भाई जी एक धर्मशाला की बाउंड्री हुई है पाइपलाइन पड़ी रही अधूरी पड़ी और विकास पर तो जी हाँ अब टिकट की दावेदारी में सात आठ जन है कांग्रेस हूँ और बीजेपी में सभी बहुत दर्जनों उम्मीदवार है आरएलपी सभी दो चार है तो बीमत है के कण तो होगा मैं ई आदमी के सागर दल छुई आती तो आदमी आवे तो ओ भारी रहे चुनाव आम आदमी भाई जी कोई आज विकास तो में तो विकास कराओ कोनी कोई तो थाने के लागा विकास कराना और आदमी कौन हो सके विकास भाई जी राजगण चौधरी हो जी वो हंसराशी दो गले अबे मेन रोड मान लियो अब मेन गली है मेन तोरा है ने कैमरा करके दिखाओ आ रोड है मेन रोड आई बन रही कोनी विधायक जी बिन पहल बहुत विधायक जी ने देख जी करोड़ किसी का विकास पहल को दिख जी तो एक छोटो सो अब गाड़ा विधायक जी आ सी नहीं मैं तो अठी मीटिंग कर सिया अठी दिखा सिया विधायक जी विकास रो कैसी ना और यो और ये विकास तो बे कैसे अब की बार मन जिता दियो मैं करा दे जिताता घणा ही 25 30 साल हो गया और मूलते भी हां कांग्रेस का ही वोटर हो गया हां मूलते कांग्रेस का तो अब ते किन सा होगा वो आदमी विधायक जी तो ठेके रहो कोन करायो अब आ ठेके रहो विधायक जी विकास कोन करायो पर अब थाने के लगे के वो आदमी आसी तो विकास करा दे मन तो वो राजगण चौधरी लगे सरासी दी लगे दुनिया में जो युवा में सरासी तो जी हाँ आपने ताराचंद सारण भी दावेदारी कर रही है तारे के नाम डूडी साहब है बेबे भी दावेदारी कर रहे हैं वो के ना है मन को लगे राजगण चौधरी पक्का राजगण चौधरी एक राजगण राजगण चौधरी भाई तो मतलब कॉन्फिडेंस में थे या क्या कह रहे हैं कॉन्फिडेंस नहीं कह रहे हैं शहर में विकास देखे हाँ कच्चो भी स्टैंड देखे हाँ और पार्क देखे हाँ यहाँ लगा है करवा दे कच्चा बस स्टैंड मतलब सरदारशहर में बढ़िया विकास हुए राजगण चौधरी जी के नेतृत्व में तो चाहो कि बे अगर हमारे गाँव में आवे हमारे गाँव में विधायक बने या जो भी बने तो भाई में विकास बढ़िया हो सके
हाँ हो सके। और दूसरी बात अस्पताल की कहना चाहूँ, अस्पताल बनना चीज है, हर गरीब रो इलाज होना चाहिए। तो अस्पताल को तो जहाँ विधायक जी का जिसका विरोध करे वे नहीं करना चाहिए, वह कहना ही है कर। तो भी वह कह बाबा साहब ने नाम रख दिया भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब ने नाम कोई अब तिले तो भी हमारे मूलचंद जी सूर्य मूलचंद जी मालू है बार नाम रख दो दिया रहे हैं विकास जी मूलचंद जी मालू है नहीं सूर्य बार नाम रख दो 40 करोड़ की तो बजट आयोड है सरकारों और हमारे तो वे तो जिका अपने विकास जी मालू है ये तो कहे कि मैं 50 करोड़ भी दे देस हूँ बढ़िया जगह बनवा लू। हमारा तो थानों बने विश्व अस्पताल बना दिया, हर एक आम आदमी गरीब का इलाज हो जाना चाहिए वैसे आसाम में। चलो ये की बात करें सरदार से तहसील उपखंड क्षेत्र की बात करें तो हमें अलग उपचुनाव क्या न कहें उपचुनाव जगह विधायक जी बार होया 9 महीना पहले चुनाव उपचुनाव जगह स्वर्गीय मोहनलाल जी शर्मा उन्हें दिनों के बाद में चुनाव हुए उपचुनाव वो उपचुनाव हो गया चुनाव पर चुनाव हो गया उपचुनाव हो गया बी के बाद में विधायक जी अनिल पाथा शर्मा अनिल जी शर्मा बाऊ बेटा है जो विधायक बनया बी के बाद में के कुछ विकास हो दावा तो बहुत बड़ा बड़ा कर रहा है भाई मैं विकास कराया हूँ मैं विकास कराया थाने के लगा। देखो मैं बताऊँ पहली तो गांव का फिर गांव वाले नहीं माने तो बढ़ जा रही बताओ जहाँ सरदारसर में लगभग 7 जना कांग्रेस दावेदारी कर रहे हैं दर्जनों 21 आदमी बीजेपी में दावेदारी कर रहे हैं टिकट की ठीक है। फिर दूसरी बात गांव की आ गई गांव की मार समझा है दूसरी समझा है तो पापा से सदन जितना भी टोटल मार गाँव भी मास्टर बनया से हेडमास्टर बनया से प्रिंसिपल बनया टोटल बापा से सदन की दीन है एर और मान लो गाँव गाँव भी दूर मान लो कलेक्टर तक आते अटू पड़ गए अब पिन बंद कर दी अब थारी हुए नहीं हाँ चालू कराना चाहूँ बाबा थारी मान्य है शिक्षा के बारे में बात करा नहीं तो बन में गोंडलाल जी तो थाने कौन लागे अब तो थाने लागे कौन है अब क्या हमारी शिक्षा की व्यवस्था अब बड़ी आदमी करा सके एक आदमी तो होना चाहिए नहीं अपने मन में वो आदमी है वो बढ़िया विकास करा दे सी नहीं बे छोटा समझ के अनिल जी मान लो गोंडलाल जी मान लो छोटा समझ के कोई ऐसा भी बोलते मैं बन है नहीं माफ करा फिर भी और कह माफ यहाँ करा वीडियो गिर होगी वापिस मैं वो शब्द कौन बोल नहीं लेकिन चर्चा चल रही है विधायक जी SC ST ने प्रतिकूल SC ST ने कोनी कहो लेकिन बे तो फिर भी BDM गिरो के भाई मैं थाने कौन कहो मैं तो ओबीसी कहो गिरो के जायज बात हरी बात तो लेकिन अब थे के चाहो जहाँ कांग्रेस हूँ अगर थे अनिल जी शर्मा के खिलाफ थारो रोष है तो दूसरा दावेदार कौन आना चाहिए या फिर बीजेपी वो दावेदार आना चाहिए कांग्रेस वासी तो ये दोनों फाइट बड़ी हो सके मारो राय मैं तो अनिल जी में जाऊँ तो कांग्रेस हूँ बे यार यहाँ कहती मैं वो काम कर दिया चुनाव पहले देखो मन लागे कोनी संभव है 15-20 दिन में संभव कोनी है लेकिन एक वादा है नहीं तो वादा तो थे खुद कह रहे हो वादा तो करता ही आ रहे वादा तो थे करता ही आ रहे नहीं तुम्हारे पिताजी वादो निभायो पिंपल तक चूक गयो चारना पास पिताजी हाँ बाकी पिताजी कोई लेकिन बट गयो ओ मैं काम कर दू 12 महीना पकड़े वो पिंपल सूख गयो सूख गयो लंबी काम करो भी अब हाँ कई बार मान लो पर हाँ बहुत करियो कोई प्रूफ तो दिखाओ मैं वो काम करियो धरातल पर विकास धरातल विकास होने कागजा विकास मैं दस स्कूल बनाई प्रूफ तो नहीं स्कूल अब इंग्लिश मीडियम स्कूल बना दी तो इंग्लिश मीडियम स्कूल बना दी थाने स्मार्टफोन योजना मिल रही है बहुत सारी योजना वो लाभ सरकार बनाई कांग्रेस सरकार में दोस्त कौन दिया कभी कौन दिया मालिक से हूँ पैदल यात्रा चल रही है SC ST की पैदल यात्रा चल रही है जिसकी मांग ले रखी है सरकार की जयपुर पूर्ति हुई तो मैं कांग्रेस ने मंजूर कर दिया पूर्ति नहीं हुई तो बीजेपी में क्या लगता है बीजेपी में लागे की है बीजेपी में थारो समीकरण तो बता सको बीजेपी में क्या भाई वो आदमी आवे तो बढ़िया रहे या वो चेयर जो पिंचो जी लगातार 2-3 बार हार चुका तो थाने लागे है कि आ सीट चेंज होनी चाहिए टिकट चेंज होनी चाहिए बीजेपी में वोट दे क्या करना तो राजनीति ना 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 राजनीति में जाने मैं तो जाना पहली बात स्कूल में नहीं कोई काम होना चाहिए
स्कूल में पढ़ाई होनी चाहिए मास्टर की स्टाफ नहीं है, स्टाफ नहीं है तो स्टाफ मान लो स्टाफ तो खुद कह रहे हो 500 बच्चा का ऊपर 16 स्टाफ है खुद की आवाज तो स्टाफ तो भरपूर है तो पांचवी तक एक मास्टर है बहुत तो देखो ताऊ जी पूरी थोड़ा स्टाफ थोड़ा है तो भी बच्चा खाली तो बैठा रहे कौन कहे अब जाके देख लो न्यूज के लिए आप देखते रहिए आर के जे न्यूज और जुड़े रहिए हम काम बल्डासर में है और ये हमारे ग्रामीण दौरे की सभाएं और चौपाल जो है वो जारी रहेगी।